बच्चों आपके सामने आउटलाइन दे रहा हूँ, नोट करें। नागरिकता अधिनियम, न को डबल कर दें, क और ता, नागरिकता अधिनियम में ध से काट दें, नागरिकता अधिनियम। संशोधन विधेयक, संशोधन और व से काट दें, संशोधन विधेयक। कहा गया है कि, कहा गया है कि, कहा गया है कि, आ चुके हैं, आ का डेस चुके में क से काटें, आ चुके हैं। गैर कानूनी, गैर और न लगा दें, गैर कानूनी, यहाँ कन काम से कान निकल जाएगा और न हो जाएगा। समझा जाएगा, ये समझा और यहीं से ग बीच में काट दें, समझा जाएगा। विपक्षी दल, विपक्षी दल, बहुत से लोग, बहुत का सब चिन्ह से लोग। तर्क है कि, तर्क है कि। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का सब चिन्ह बड़ा बोला और अधिकार को डबल करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। कुछ लोगों ने, कुछ का सब चिन्ह लोगों ने, कुछ लोगों ने। भेदभाव, भाग वादा कर दें, ये भेद और वह लगा दें तो यहीं से भेद और यहीं से भाव। मिलने वाले अधिकार, मिलने वाले अधिकार को डबल कर दें। मान्यता है कि, मान्यता है कि। मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन, देखें मूल अधिकारों का उल्लंघन। देश काल, देश करके काल कर दो। परिस्थितियों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक म से काट दें, परिस्थितियों के मुताबिक। जाति के आधार पर, जब वादा करें, जाति के आधार को डबल कर दें, जाति के आधार पर। दायरे से बाहर, ये दायरे से और बाहर के लिए बड़ा बोला लगा दें, दायरे से बाहर। लोगों के बराबर, लोगों और यहाँ एक जरा सा टिक लगा दें, ये बराबर दिखाएगा, लोगों के बराबर। लाने के लिए, लाने के लिए। शासन व्यवस्था, सा से शासन और यहीं से स्टूप लगा दें, शासन व्यवस्था। सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ओमिट करें और ये लगा दें, सुनिश्चित करने के लिए। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। विशेष कानून, विशेष को बड़ा कर दें और न लगा दें, विशेष कानून, एनु बोर्ड लगा दें इसमें, विशेष कानून। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, यहीं से स्थानीय और यहीं से निकाय। पारंपरिक खेल, पारंपरिक में महाभाव को घेरा करके बड़ा करें। पारंपरिक सोच, विशेष अधिकार, विशेष को बड़ा कर दें और अधिकार को डबल कर दें। ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना जरूरी। नियम कानून, न म से नियम और न से काट दें। परंपरा के मुताबिक, महा कुरार करके क करें और म से काट दें, परंपरा के मुताबिक। आगे देखें, नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन और व से काट दें। पारंपरिक सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत को छोटा कर दें, पारंपरिक सिद्धांत। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह। सुनिश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। पुष्ट करने के लिए, पुष्ट और लगा दें, करना ऑटोमेटिक कर हो जाएगा। देखें एक बार फिर से, नागरिकता अधिनियम, संशोधन विधेयक। कहा गया है कि, आ चुके हैं, गैर कानूनी, समझा जाएगा। विपक्षी दल, बहुत से लोग। तर्क है कि, स्वतंत्रता के अधिकार, कुछ लोगों ने। भेदभाव, मिलने वाले अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लंघन। देशकाल, परिस्थितियों के मुताबिक। जाति के आधार पर, दायरे से बाहर। लोगों के बराबर, लाने के लिए। शासन व्यवस्था, सुनिश्चित करने के लिए। घरेलू हिंसा, विशेष कानून। स्थानीय निकाय,
पारंपरिक सोच, विशेष अधिकार, ऐसा करना जरूरी, नियम कानून परंपरा के मुताबिक, नागरिकता संशोधन विधेयक, पारंपरिक सिद्धांत, सामाजिक समूह, सुनिश्चित किया गया है पुष्ट करने के लिए। तो बच्चों ये मैंने आपको जो डिक्टेशन में कठिन आउटलाइन वो बताई, अब आप डिक्टेशन लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। नागरिकता अधिनियम में संशोधन विधेयक पर संसद और उसके बाहर बहस छिड़ गई है। सरकार इस विधेयक को पारित कराना चाहती है, जबकि बहुत सारे लोग इसे संविधान विरोधी मानते हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था है। विधेयक में कहा गया है कि लोग भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आ चुके हैं और भारत में 5 वर्ष तक रह चुके हैं, उन्हें गैरकानूनी आव्रजक नहीं समझा जाएगा, उन्हें नागरिकता पाने का अधिकार मिलेगा। कई विपक्षी दल तथा देश में बहुत से लोग इसे संविधान विरोधी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 में उपलब्ध आस्था के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में प्राप्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कुछ लोग इसे मुस्लिमों के साथ भेदभाव मानते हैं, क्योंकि उन्हें इस विधेयक में मिलने वाले अधिकार से वंचित रखा गया है। उनकी मान्यता है कि यह समता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। समानता का नियम कोई जड़ अवधारणा नहीं है। न्याय के दूसरे सिद्धांत की तरह इसमें भी विकास होता रहता है। देशकाल परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधन होता रहता है। किसी वर्ग के साथ यदि जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो समानता का सिद्धांत अपने पारस्परिक दायरे से बाहर निकल उसे समाज के दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए आरक्षण के सिद्धांत को समाहित कर लेता है। शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में विशेष उपबंध बनाए गए। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने, उन्हें सुरक्षा देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल की जरूरत थी, क्योंकि सदियों से उनके साथ भेदभाव किया गया। हमारे संविधान में उनके लिए भी विशेष उपबंध बनाए गए। दहेज उत्पीड़न को रोकने और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिए विशेष कानून बनाया गया। स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में उनके लिए आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों में उनकी नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि समानता के सिद्धांत को अधिक सार्थक व न्यायपूर्ण बनाने के लिए उसे पारंपरिक सोच के खांचे से बाहर निकाला गया। हमारे संविधान में पूर्वोत्तर की कुछ जनजातियों को भी विशेष अधिकार हासिल हैं। यदि यह मान लिया जाए कि देश के सभी क्षेत्र और सभी लोग एक जैसे हैं और सभी के ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा, तो ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा देने और उनकी पहचान बनाए रखने के लिए ऐसा कानून जरूरी है। यही वजह है कि संविधान की 5वीं और
छठी अनुसूची में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई और उनके इलाके को स्वशासी बनाया गया। यहाँ तक कि देश के दूसरे नागरिकों को उस क्षेत्र में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनके अपने नियम कानून हैं, उन्हें अपनी परंपरा के मुताबिक नियम बनाने की आज़ादी है। संसद द्वारा बनाए गए कानून उन पर लागू नहीं होते। दीवानी और फौजदारी विवादों में देश के दूसरे हिस्से में लागू होने वाला कानून उन पर लागू नहीं होता। नागरिकता संशोधन विधेयक में उनकी स्वायत्तता को सम्मान दिया गया है, यह उनके क्षेत्र में लागू नहीं होगा। यह जरूरी था ताकि विशेष परंपराओं के आग्रही समाज की विशेष पहचान को कायम रखा जा सके। समानता का पारंपरिक सिद्धांत उन्हें न्याय नहीं दे सकता, इसके लिए उसे व्यापक होने की जरूरत थी और उसे व्यापकता देकर हमारे संविधान के पूर्वोत्तर व दिगर सामाजिक समूहों को अलग वर्ग मानते हुए न्याय सुनिश्चित किया। संविधान के अनुच्छेद 14 की सुरक्षा सभी ऐसे नागरिकों और गैर नागरिकों को हासिल है जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहते हैं। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसी के साथ भेदभाव न हो, परंतु समानता के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए यह अनुच्छेद तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है। भेदभाव और तार्किक वर्गीकरण के अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यायालय ने सिद्धांत दिया है कि इसके लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला यह कि वर्गीकरण करने का आधार स्पष्ट होना चाहिए ताकि आसानी से समझा जा सके कि इस प्रक्रिया में किसे सुविधा पाने की श्रेणी में रखा जाए और किसे उससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि वर्गीकरण के आधार पर और उसके द्वारा हासिल किए जाने वाले उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध है। साफ है कि वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उक्त वर्गीकरण से उसके न्यायपूर्ण होने की प्राप्ति होगी। धन्यवाद बच्चों, आपको रोज एक डिक्टेशन देता हूँ। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी डिक्टेशन दूँ तत्काल आपके पास पहुँचे।